आनंद मार्ग आभा सेवा सदन अंतर्गत चिकित्सा सेवा केंद्र का नवनिर्मित भवन के गृह प्रवेश के साथ हुआ शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज और मैं हूं लाल रंजन। आनंद संभूति मास्टर यूनिट सम्यक प्रकल्प है जो मानवता को हर प्रकार से सेवा प्रदान करने में समर्थ होगा। जमालपुर आनंद संभूति मास्टर यूनिट भविष्य में पूरी दुनिया का केंद्र बनेगा जहां से अध्यात्म सेवा और नूतन ज्ञान का आलोक फैलेगा। आनंद संभूति बाबा नगर जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ का मास्टर यूनिट है, एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प है जिसमें आनंद मार्ग के प्रवर्तक व सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति के द्वारा मानव समाज के सर्वांगीण विकास व उन्नयन के लिए दिए गए सर्वानुष्युत आदर्श के सेवा मूलक कार्यों को क्रियान्वयन हेतु एक मॉडल है जो खिड़खिया पहाड़ी श्रृंखला के प्रांगण में खुले आसमान के नीचे स्थित है। इस मास्टर यूनिट में करीब 14,000 वर्ग फीट में आभा सेवा सदन चिकित्सा सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ, जिसके पूर्व संध्या से प्रातः 5:20 बजे तक बाबा नाम केवल कीर्तन सिद्ध महामंत्र का अखंड कीर्तन हुआ तथा मिलित साधना व गुरु पूजा हुआ। इसके उपरांत नवनिर्मित भवन का गृह प्रवेश आनंद मार्ग के श्रद्धेय पुरोधा प्रमुख आचार्य विश्व देवानंद अवधूत के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सैकड़ों सन्यासी आचार्य व गृह साधक साधिकाएं उपस्थित थे। तदुपरांत आभा सेवा सदन का विमोचन हुआ जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया। विदित हो कि इस प्रकल्प के लिए ताइवान के मार्गियों का विशेष योगदान रहा है। ताइवान से आई महिला साधिका कमलिका ने चिकित्सा सेवा केंद्र के भवन निर्माण होने पर अत्यंत हर्ष व्यक्त किया और सेवा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भविष्य में भी वहां के मार्गी सहयोग देने पर प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर प्रकल्प डायरेक्टर आचार्य शुभ निर्यासानंद अवधूत ने संक्षेप में आनंद संभूति मास्टर यूनिट की परिकल्पना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि परमपिता बाबा की हेतु की कृपा से जमालपुर धन्य है और उनकी संकल्पना की पूर्णाहुति जमालपुर से आरंभ हो चुकी है। इसके लिए हमने बड़ी तत्परता से इस प्रकल्प को हाथ में लिया है जिसमें भारत के साधकों का भरपूर योगदान मिला है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के जनरल आचार्य चित्त स्वरूपानंद अवधूत ने इस कार्य में युद्ध स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लगन की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में यह पूरे दुनिया का केंद्र बनेगा जहां से आध्यात्म सेवा और नूतन ज्ञान का आलोक फैलेगा। अवधूतिका आनंद दानव्रता आचार्य महिला कल्याण विभाग प्रमुख ने इस प्रकल्प की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए क्रियान्वित सेवा कार्यक्रमों की सराहना की। अंत में श्रद्धेय पुरोधा प्रमुख अपने आशीर्वचन में कहा कि संभूति का अर्थ है सम्यक सृष्टि। यह एक मास्टर यूनिट का सम्यक प्रकल्प है जो मानवता को हर प्रकार से सेवा प्रदान करने में समर्थ होगा। दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आकर एक संपूर्ण मानव समाज बनाने की प्रेरणा लेंगे। इस अवसर पर प्रकल्प प्रबंधक आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत तथा स्थानीय डायसिस सेक्रेटरी आचार्य हर्षमयानंद अवधूत के साथ अन्य कार्यकर्ताओं का उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर पहुंचे राजद जिलाध्यक्ष देवकी नंदन सिंह, राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह जिला राजद प्रोफेसर विनय कुमार सुमन व प्रकाश कुमार सिंह आदि ने आनंद मार्ग द्वारा स्थापित किए गए चिकित्सा सेवा केंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा की और इसे मानव कल्याण के लिए समर्पित केंद्र बताया। वहीं प्रोफेसर विनय कुमार सुमन ने कहा कि इस केंद्र पर चिकित्सा और अध्यात्म का अनोखा संगम है जहां पहुंचने पर लोगों के तन और मन दोनों निर्मल होंगे। यह केंद्र जिले के लिए गौरव और गर्व की बात है। इस अवसर पर हजारों लोगों को नारायण सेवा भी किया गया। मुंगेर से गुप्त न्यूज के लिए लाल रंजन की रिपोर्ट। आनंद मार्ग की ओर से जो ये सुविधाएं प्रदान की जा रही है इसके बारे में विशेष बताइए। आनंद मार्ग प्रचार संघ का ही एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम, जो पूरे वर्ल्ड में सेवा का काम करता है किसी भी बाढ़ भूकंप है। इसके बाद जो यहाँ पर है खास करके एमठ के तरफ से सभी पैथों का आज कैंप लगाते हैं पर होम्योपैथी नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक एलोपैथी सब इसका सेवा हुआ और साथ में शुगर बीपी का चेक किया गया यहाँ पर। तो करीब 245 लोग शुगर का चेक करवाए, बीपी चेक करवाए। अरे हमेशा चलेगा यहाँ पर प्रयास। आप क्या कहना चाहेंगे
ये सारी जो सुविधाएं आज लोगों को मिली है आनंद मार्ग की ओर से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। ये आनंद मार्ग प्रचारक संघ का उद्देश्य ही है आत्मोक्षार्थम जगत हिताशय का। मतलब हुआ कि आत्मोक्ष मतलब अपने मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, और समाज को भी साथ साथ आगे ले चल के और उसको भी मोक्ष के रास्ते तक पहुंचाना है। इसलिए सिर्फ अपने ही उत्थान नहीं करना है, समाज के लोगों का भी उत्थान करना है। तो ये उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जिसमें जब उत्थान चाहिए तो आप हम सब समझ सकते हैं कि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीन स्तर हैं। तो शारीरिक स्तर पर बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं जो सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से उत्पन्न होकर शरीर में व्याप्त हो जाती है। तो उसके लिए भी हम लोग नेचुरोपैथ और योगा का काम कर रहे हैं। और नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं कि दवाई का बहुत कम से कम प्रयोग हो, नेचुरल ट्रीटमेंट के माध्यम से हम लोग सेवा ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते। इससे आदमी स्वस्थ होगा, उसके शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो इसी का काम है आभा सेवा सदन आनंद मूर्ति जी का, मतलब शिष्य आनंद मार्ग प्रचारक संघ का एक आभा सेवा सदन यूनिट है जिसके माध्यम से हम सभी प्रकार का मेडिकल सर्विस देते हैं। और योग विज्ञान के हम लोग विशेषज्ञ हैं और इस पर हम सब लोग को योग साधना भी सिखाते हैं। यहाँ पे सब लोग आमंत्रित, हम चाहते हैं कि सब लोग आमंत्रित हैं, यहाँ आए और देखें, हमसे वार्तालाप करें और आनंद मार्ग की आइडियोलॉजी को समझने का प्रयास करें। जी ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात, क्या शिक्षा की ओर भी आप लोगों के द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी जी, शिक्षा में भी हम लोग जगह जगह पूरे विश्व में ही हम लोग प्राथमिक विद्यालय चलाते हैं जी, इंग्लिश मीडियम विद्यालय है वो, और गरीब बच्चों के लिए खास करके चलाते हैं। हमारे गुरुदेव का कहना है कि बड़े बड़े विद्यालय अभी हमें नहीं खोलना है, हमें छोटे छोटे स्कूल खोलना है, क्योंकि हमारा विद्यालय संस्कार, बच्चों के अंदर संस्कार डालने का प्रयास करती है और वही बच्चा को मतलब एक व्यक्तित्व बनाने का काम करता है। और ये छोटेपन से ही होता है। कहा गया है कि बांस जब कच्चा हो तो उसको जैसा मोरोगे मुरझाएगा, और सूख जाने के बाद चरचरा के फट जाएगा या टूट जाती है बांस, टूट जाता है। तो जब बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण अगर करना है तो बहुत छोटे से ही, नर्सरी केजी से ही शुरू करके और पांचवी तक बच्चों के व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा निर्माण हो जाता है। आप देखे होंगे कि जो शुरू में अपने प्राथमिक शिक्षक से जो पढ़े थे वो आज तक हमें याद है, और उनके द्वारा आचरण जो सिखाया गया था वही हमारे जीवन में जीवन पर्यंत चलता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत सारे काम कर रहे हैं और गरीब बच्चों के लिए और सबके लिए। योग साधना तो सिर्फ गरीब के लिए ही नहीं है, सबके लिए, जो हमारे समाज में अपर लोअर मिडिल सब है, तो सबके लिए, क्योंकि सबके अंदर जो वृत्तियाँ हैं वो वृत्तियाँ समाप्त होती हैं योग साधना करने से। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में और यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं, चला ही रहे। हमारा अवलीपुर में आश्रम है, वहाँ भी प्राथमिक विद्यालय चलता है, वहाँ भी हमारा होम्योपैथी का मेडिकल यूनिट चलता है, और केशवपुर में भी हमारा बाबा का जन्म स्थान है तो वहाँ भी होम्योपैथी का हम डिस्पेंसरी चलाते हैं। तो जगह जगह पूरे विश्व में हम लोग इस प्रकार की सेवा दे रहे हैं। और यहाँ यदि उनकी कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा हुई और आप सब लोगों का सहयोग यदि प्राप्त हुआ तो यहाँ तीनों प्रकार की सर्विस आप देखेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र। मैं आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत, आनंद मार्ग प्रचारक संघ का एक आचार्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस पद्धति से आप मरीजों को यहाँ इलाज कर रहे हैं? आज जो है सेवा सदन का जो उद्घाटन हुआ है, आभा सेवा सदन का, और इसका स्थापक आनंद मूर्ति जी उन्हीं के मार्गदर्शन के द्वारा हम लोग के द्वारा रिलीफ कैंप लगाया गया है दादा के, और इसमें आज लगभग 300 से एवर पेशेंट हमारे यहाँ नेचुरोपैथ, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदा के माध्यम से मरीज का लाभ पहुँचाया गया है, और एक अच्छा मैसेज समाज में गया है और आसपास के लोग
इसको और चाहेंगे कि अपने अंदर उतारे और स्वस्थ जीवन जिए, मेन मकसद यही है। और अब देख रहे हैं कि अभी भी ट्रीटमेंट चल ही रही है। यहाँ पे कहाँ कहाँ से पेशेंट आपके पास पहुँचते हैं? पेशेंट तो अभी दीपावली का उत्सव है तो ज्यादातर लोकल हैं, लेकिन हमारे पास लास्ट पेशेंट आए हैं नवादा। दादा लोग तो भाई कई दूर से, और दीदी लोग आए हैं तो बम्बई से, महाराष्ट्र से, उसके बाद है रांची से, झारखंड से, लेकिन जो लोकल हैं तो लोकल अकबर नगर तक, भागलपुर और नवादा तक के हमारे पास अभी ये पूरा लिस्ट है जितने लोग मैंने दिया है। और आज दीपावली का शुभ अवसर है, मैं लोगों से अपील करूंगा कि ग्रीन दीपावली मना, प्रदूषण मुक्त बना, और एक दूसरे को पौधा देकर कहें कि हैप्पी दिवाली, और मिठाई आपस में बांटे, खुश भाईचारा लाए। आनंद मूर्ति जी का तो यही कथन ही था कि खुद स्वस्थ रहें और समाज को स्वस्थ करें, यही एक संदेश जाते हैं। और हमें आनंद मार्ग में आप होम्योपैथी के माध्यम से चिकित्सा दे रही है, कैसा अनुभव कर रही है और पेशेंट को कैसा लग रहा है? ये जो चिकित्सा पद्धति है ये तो अपने आप में सर्वमान्य है कि लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और जैसा लोगों का रिस्पांस रहता है वो इस तरह रहता है कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, वो मेडिसिन लेते हैं और उनसे उनको लाभ होता है और उनका हमको फीडबैक मिलता है। फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमारा जो काम हो रहा है वो कितने बड़े स्तर पर हो रहा है। इट मीन्स कि जो लोग ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के प्रति हमारा जो कार्य है उन लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। आनंद मार्ग के साथ आप काम कर रहे हैं जी, तो इसका अनुभव बताइए कैसा लग रहा है? वैसे तो मेरी डिग्री 2019 में कंप्लीट हुई, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़े थोड़े दिनों से ही, मतलब लगभग पिछले 7 साल से मतलब सहयोग मिला, मतलब मेरा ऐसा रहा है संजोग कि हमको दीदी दादा लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला, तो उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। तो लगातार पिछले 2015 से हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इस सेवामूलक कार्य में जुड़े हुए हैं, और ये आभा सेवा सदन एक बाबा बर्थ प्लेस है जो हम लोगों का छोटी केशवपुर, वहाँ पे मतलब निरंतर चलते रहते हैं, वो रोज डेली रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे मेडिसिन दिया जाता है, तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वहाँ पे भी रेगुलर बेसिस पे कर चलता है इस तरह का कार्य। तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही सहयोग वाली बात है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा चिकित्सकीय रूप से उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।